रहमान बाबू बहुत डांस कर लिया आप लोग, आइए। थक गए होंगे, ये लीजिए। अरे वाह, कुल्लड़ में टूट जाएगा सम्मान बाबू, मट्टी का है ना, कुल्लड़ में पीने का तो मजा ही कुछ और है। अरे सम्मान बाबू, हमारे बिहार की यही तो खासियत है, कुल्लड़ में बहुत कुछ पिया जाता है, मन करे तो कभी कभी चाय भी। Hey man, I like that. कभी कभी मन करे तो चाय भी। ये लीजिए, अभी लाइक करेंगे आप। यार पुनीत की तो किस्मत ही खुल गई, क्या शानदार हवेली है। बहुत रईस लोग लगते हैं। सही में यार, जब हवेली इतनी शानदार है तो दुल्हन भी वैसी ही होगी। चलो तुम प्यार हो गई। टीना, तुम तो कितनी सुंदर लग रही हो, एकदम चांद का टुकड़ा। ये मुंबई वाले तो देखते ही रह जाएंगे। काकुल ने मुझे कहा कि जाओ दीदिया, जाकर देख के आओ कि मेरी सहेली तैयार हुई है कि नहीं, सो मैं तुम्हें देखने आ गई। लेकिन त्रिशा दीदी, काकुल है कहाँ? अरे भाई, तुम्हें तो पता है उसे तैयार होने में कितना समय लगता है। अब उसे जाके समझाएगा कौन कि शादी रीना की है, काकुल की नहीं। कैसे लग रहे हैं हम? बहुत सुंदर, कहीं किसी की नजर ना लग जाए। लेकिन बराती तो अब परेशान हो जाएंगे, वो तो यही सोचेंगे कि दुल्हन रीना है या तुम। क्या दीदी, आप भी? तेरी दीदी ने कभी झूठ कहा है? बस अब एक ही बात मुझे खाई जा रही है। क्या? यही कि आज तुझे देखकर पिताजी और तेरे जीजाजी को नींद नहीं आने वाली, तेरी शादी की फिक्र उनकी नींद ही चुरा ले जाएगी। बस फिर क्या, इस घर में भी एक बारात आएगी, लेकिन इससे भी बड़ी और धूमधाम के साथ, है ना? ये क्या, ऐसे तो जयमाला कभी होगी ही नहीं। ऐसा ही होता है, अपनी सहेली से कहिए जरा और झुके। अरे पुनीत, पहले चेक तो कर ले इनमें से तेरी दुल्हन है कौन सी। क्यों, पहले नहीं देखा था आपने, या फिर आपकी दोस्त की नियत बदल रही है? हाँ, नजर डालो एक से एक हसीन चेहरे, लगता है परियों के देश में आ गए हैं। हाय, दो चार जयमालाएं और साथ ले आते, सारे कुंवारों का घर यहीं बस जाता। जयमाला तो हम ले आएंगे, लेकिन उतनी ही डोलियां लानी पड़ेगी, उसकी सोचिए। सम्मान, तेरे चौके का जवाब छक्के से। Ooh.
सम्मान कहाँ खो गया यार? लगता है पिंक ड्रेस वाली पर दिल आ गया मेरे यार का। व्हाट रबिश, सम्मान का दिल तो ऑलरेडी किसी और के पास है, उसके बगैर तो पहले गिरी हुई है। सो व्हाट, मौज मस्ती के लिए सही। लगता है उस लड़की पर दिल आ गया हमारे यार का, उसे पटाने भर की देर, उसके बाद वो हमारे यार के मुट्ठी में। माना सम्मान हैंडसम है, लेकिन ये लड़की इसके झांसे में आने वाली नहीं है। चल लगी शर्त, बोल क्या देगा? 100 रुपए। और नहीं पटी तो मैं दूंगा डबल। रिमेम्बर गाइस, सम्मान आज तक कोई भी शर्त नहीं आ रहा है। किस बात का एहसान लीला? ऐसा कहकर बचपन की दोस्ती को एक पल में ही तुमने भुला दिया। नहीं काकुल, तेरे पिताजी ने जो किया वो कोई अपना भी नहीं कर सकता है। अपनी हवेली में अपनी बेटी की तरह मेरा ब्याह कर रहे हैं, वरना मेरे पापा की क्या हैसियत जो मेरी शादी इतनी धूमधाम से कर सके। बाबूजी ने कभी हम दोनों में कोई फर्क किया है? उनके लिए जैसे दीदिया और हम, वैसे ही तुम। और बाबूजी का दिल तो तुम अच्छी तरह से जानती हो, पैसे है तो उनको बहुत अच्छी तरह से खर्च करना भी जानते हैं वो। जानती हूँ, भगवान ऐसे बड़े लोगों को हमेशा बरकत देता है। ओफो, तुम दोनों बैठ के यहाँ बातें कर रहे हो, जल्दी नीचे चलो, नाच गाना शुरू हो गया है, उठो। अरे सुनो, बड़का बाबू और बाऊ साहब आए हैं। आइए आइए बाऊ साहब, आप ही की राह देख रहे थे। सब ठीक है ना? कोनो दिक्कत, कोनो कमी नहीं है ना? बाऊ साहब, आपके होते हुए कोई कमी हो सकती है? आगे। बाऊ साहब, आपके दामाद जी ने तो खुद अपनी आंखों के सामने सारा इंतजाम करवाया है, और आपकी बेटी, उसका तो जवाब नहीं, वो तो देखरेख ऐसे कर रही है जैसे खुद के सगे बहन की शादी है। आप लोगों ने बड़ी देर कर दी आने में,
अरे भाई देर कहाँ लगाई है, शायद आप लोग बहुत जल्दी आ गए, क्योंकि शुरुआत तो वहीं से होती है जहाँ से हम आते हैं। और फिर आप जानते हैं ना बाबू साहब का वक्त कितना कीमती है। अरे अरे भाई हम भी लड़की वाले हैं, क्या जवाब बाबू। लेकिन बाबू साहब आप तो हमारे लिए भगवान से कम नहीं है। अरे भाई हमारी साली साहिबा कहाँ हैं, दिख नहीं रही हैं। चांद चकोर फूल अच्छा गेस कर लेती हूँ, चकोर और भंवरे के अलावा एक नाम और भी है मेरा, सम्मान। सम्मान अच्छा नाम है। ऐसा तो अक्सर लड़के कहते हैं, यू नो, लड़कियों को इंप्रेस करने के लिए। फोन पे बात क्यों नहीं की? जरूरी नहीं समझा, मेरा मतलब है इस वक्त जरूरी नहीं है। एक खूबसूरत लड़की मेरे सामने खड़ी है और मैं फोन पर अपना टाइम वेस्ट करूं, इतना बेवकूफ नहीं हूं मैं। अब तो बता दो अपना नाम। क्यों क्यों बताएं हम अपना नाम? अरे बाबा नाम नहीं बताओगी तो मैं तुम्हें पुकारूंगा कैसे? अच्छा ठीक है, तो फिर मुझे इस बात की इजाजत दे दो कि मैं तुम्हें अरे सुनती हो कहकर पुकार सकूं। जब से तुम्हें देखा है यही सोच रहा हूं, जिसका चेहरा इतना सुंदर है उसका नाम कितना खूबसूरत होगा, यू नो जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। सॉरी क्यूरियोसिटी, मेरा मतलब था कि समझाने की कोई जरूरत नहीं है। आई अंडरस्टूड व्हाट यू मेंट। हम बिहार के रहने वाले हैं इसलिए ये मत सोचिए कि हमें अंग्रेजी नहीं आती, कॉन्वेंट में पढ़े हैं हम और अब इंग्लिश मीडियम कॉलेज में हैं। वेरी गुड। हमारे घर में लड़कियों के पढ़ने लिखने पर कोई रोक टोक नहीं है, बाबूजी कहते हैं जितना पढ़ना है पढ़ो। जानते हैं क्यों? तुम ही बता दो। इंडिपेंडेंट रह सको इसीलिए। वैसे भी आजकल के जमाने में तो हर मामले में लड़कियां लड़कों से आगे हैं। ऐसे हमारे बारे में तो सब कुछ जान लिया, अपने बारे में कुछ नहीं बताएंगे? सब कुछ तो तुमने ही बता दिया मेरे बारे में, अब आगे भी तुम ही बता दो। कौन सी दुनिया के रहने वाले हैं आप? हाय बड़ी तमन्ना थी कि किसी के दिल में रहें, लेकिन क्या करें जब तक जगह नहीं मिलती तो यही रहना पड़ेगा इसी दुनिया में। बात है तो गोलमोल करते हो, पता नहीं नाम भी असली बताया या नहीं। अरे झूठा ही सही, एक नाम तो बताया था मैंने, तुमने तो अभी तक वो भी नहीं बताया। जगमोहन बाबू आपसे कुछ जरूरी बात करना है, आएंगे प्लीज? बड़का बाबू इस वक्त जरूरी है प्लीज। अरे बड़का बाबू
घर में बेटी का ब्याह चल रहा है, आप हमें यहाँ कहाँ लाए हैं? ऑटोग्राफ चाहिए आपका, लाइए। ये इस कागज पे आप यहाँ साइन कर दीजिए। ये क्या है? अरे कुछ नहीं है, एक सिंपल सा अर्जी है, इस पे लिखा है कि आप चुनाव से अपना नाम वापस ले रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? वो कहीं नहीं सकता, आपको सिर्फ एक दस्तखत ही तो करना है, और करना क्या है, और आपका नाम ऑटोमेटिकली चुनाव उम्मीदवार का लिस्ट से निकल जाएगा, बस ले लीजिए इधर इधर साइन। बड़का बाबू, इलेक्शन से हम अपना नाम वापस नहीं लेंगे, कभी नहीं। जितने बहुत हैं आप जगमोहन बाबू, चलिए छोड़िए, जाने दीजिए, रिलैक्स। लाओ भैया दूसरा कागज, अब इस पे तो साइन करेंगे ना आप, नीचे। अब ये कहा है बड़का बाबू? अरे तो सवाल का है पूछते हैं आप जगमोहन बाबू, एक सिंपल सा चिट्ठी है, इसमें सिर्फ ये लिखा है कि आप अपना मर्जी से आत्महत्या कर रहे हैं, बस साइन। बड़का बाबू बहुत मजाक हो रहा है, आप भाई जी के दामाद हैं इसीलिए हम चुप बैठ रहे हैं, हम आपकी इज्जत कर रहे हैं, अगर भाई जी को पता चला ना इस हरकत के बारे में तो बहुत खराब हो जाएगा। ये बाबू साहब का ही आदेश है, हम तो सिर्फ एक अच्छा दामाद होने के नाते उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं जगमोहन साहब। इस पूरे इलाके में बाबू साहब के उम्मीदवार के खिलाफ खड़ा होने का जरूरत कोई नहीं कर सकता। फिर आपने ऐसा हिमाकत कैसे किया? इतना सब बात आपका दिमाग में नहीं आया कि आपकी बेटी की शादी इस हवेली में कराएगी? इतना पैसा खर्च किया, धर्म खाता खोले हैं बाबू साहब? देखिए जगमोहन बाबू, इस दुनिया का रीत है, इस हाथ दे उस हाथ ले। जगमोहन जी कहाँ है? हमें उनसे कुछ पूछना है। अभी तो यहीं थे। अच्छा देखता हूँ। ये गोली तो हम हवा में छोड़ दिए, लेकिन मोस्टली सेकंड गोली हमारा निशाने पर लगता है जगमोहन बाबू। इतनी जल्दी क्या है? दो मिनट ठहर तो सकती हो ना? ये क्या कर रहे हैं आप? हमारा हाथ छोड़िए। नहीं छोड़ा तो जाने दीजिए ना, हमें बहुत काम करना है। कोई और कर लेगा। थोड़ी देर मेरे पास ठहर सकती हो? यूं ही मेरा मन कर रहा है। आपकी मन की हम क्यों सुने? तो अपने मन की सुन लो, तुम्हारा दिल भी तो यही कह रहा है। जाने दीजिए ना। प्लीज जाने दीजिए। अगर इस अदा से कहोगी तो और भी मुश्किल हो जाएगी। कोई देख लेगा हमें। तो फिर कोई ऐसी जगह बताओ ना जहां किसी की नजर ना पड़े। बताओ ना काकुल, कोई ऐसी जगह जहां पर सिर्फ तुम और मैं, हम दोनों और कोई भी नहीं। तुम्हारे चेहरे पे साफ देख सकता हूं मैं,
तुम्हें भी बात करनी है मुझसे? बताओ ना काकुल, कोई ऐसी जगह? संभल कर आइएगा, कहीं पैर ना फिसल जाए। वाओ, ब्यूटीफुल। कितनी खामोशी है यहां पर, कितना अकेलापन। आपको हमसे कुछ बात करनी थी ना? बात? आप ही ने तो हमसे कहा कि किसी ऐसी जगह ले चलो जहां। ओ हाँ, मुझे कुछ कहना था तुमसे, लेकिन अब कुछ भी कहने और सुनने की जरूरत नहीं रह गई है। तुम जब मुस्कुराती हो ना तो और भी सुंदर लगती हो। हम जानते हैं, बहुत बार सुन चुके। अच्छा, किसे सुनूं? बाबूजी से, दीदिया से, जीजू से, हमारी सहेली रीना से। कभी किसी लड़के ने नहीं कहा तुम्हें? हमें जाने दीजिए। नहीं, कभी नहीं। ये जो तुम्हारी आंखें ना काकू, गहरा समंदर है, बस कोई एक बार देख ले और डूब भी जाए। और तुम्हारी आवाज जैसे किसी ने मिश्री खोल दी हो कानों में, और तुम्हारे होंठ जैसे गुलाब की पंखुड़ियां। ये क्या कर रहे हैं आप? आई वॉन्ट टू किस यू। यही प्रॉब्लम है आप जैसे लड़कों की, हर बात की जल्दी। क्यों, तुम्हें जल्दी नहीं है क्या? कोई देख लेगा तो? यह कोई नहीं आएगा। तो फिर डर किस बात का? हमें ये सब अच्छा नहीं लगता। क्यों, मैं अच्छा नहीं लगता तुम्हें? नहीं, हमारा मतलब। काकुल, आई रियली लाइक यू। तो फिर थोड़ा करीब आने में क्या प्रॉब्लम है? आप हमें लाइक करते हैं, हमसे प्यार तो नहीं करते? लाइक करना और प्यार करना दोनों एक ही बात है। नहीं, अच्छे तो बहुत सारे लोग लग सकते हैं, लेकिन प्यार, प्यार तो किसी एक से ही होता है। प्यार आंखों से झलकता है, कहने की जरूरत नहीं होती। मेरी आंखों में देखो, क्या नजर आता है तुम्हें? सुनिए, काकुल कहाँ है? बाबू साहब कब से बुला रहे हैं उसे? अरे मुझे भी पता नहीं, काफी देर से दिखाई नहीं दिया। तो ढूंढी है ना उसे, हम ढूंढ रहे हैं उसे कब से। अच्छा ठीक है। काकुल, काकुल, आई लव यू। यू नो, मेरे लिए भी ये पहला एक्सपीरियंस है। आज तक कभी भी मैंने ऐसा महसूस नहीं किया। मेरी जिंदगी में आने वाली पहली लड़की हो तुम, मेरा पहला प्यार।